थे। पहला विट्ठू सलाका। सलाका मास्टर जी मान गए ना, मुझे पूरी तरीके से अपना लिया ना, आज नहीं तो कल ही होना ही था। और हाँ, अगर थोड़ी भी समझदारी है ना तुझमें, तो ऋषि के आने से पहले खुद घर छोड़ के चले जाना। ऋषि, ऋषि थैंक यू सो मच मुझे फिर से अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। ऋषि वरना मैं तो मर ही जाती। आई लव यू ऋषि। आई लव यू टू शलाका। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बात है, इतनी रात हो गई तू सोया नहीं? कैसे सो सकता हूं, जिसका जवान भाई रात भर खूबसूरत लड़कियों के साथ घूम कर आया हो, उसका छोटा भाई कैसे सो सकता है? राहुल आई नो कि तू क्या सोच रहा है, पर एक्चुअली वो कुछ मत बोल ऋषि, कुछ मत। एक्चुअली मैं तो सिर्फ तेरी खुशी चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, पूरी फैमिली तेरी खुशी चाहती है। पता है क्यों? क्योंकि जब जब तू दुखी होता है ना, तो सब दुखी हो जाते। जब तू चुप होता है तो सबकी आवाज बंद हो जाती। तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशी। पर चाहे तेरा प्यार शलाका हो या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तू अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही खुश रहेगा। थैंक्स राहुल, मेरे प्यार, मेरे विश्वास को समझ ले। बाड़ी, मैं कहाँ आ गई हूँ? कौन सी जगह है ये? कहाँ गए? मैंने यही रखे थे। क्या हुआ इला पारे, सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब किए जा रही हो? मूड तो पहले ही ऑफ हो चुका है रविश। आपको याद है वो मेरे 3.5 लाख के कंगन जो मेरी मम्मी ने हमें फर्स्ट एनिवर्सरी पर दिए थे? हाँ याद है, पर हमें नहीं तुम्हें दिए थे। हाँ हाँ वही रविश, वो कंगन नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ है। आपने लिए क्या? क्या मैं कंगन पहनूंगा? मेरा वो मतलब नहीं था रविश, शायद आपने कहीं देखे और रख दिया हो। मुझे तो याद नहीं है मैंने उन्हें कहीं देखे थे, याद आ जाएगा तो बोल दूंगा। आपको पेपर पढ़ते पढ़ते मैं याद नहीं रहती, आपका नाश्ता याद नहीं रहता, तो कंगन कहाँ से याद आएगा? रविश मैं कुछ नहीं जानती, आपको ना मेरी हेल्प करनी पड़ेगी वो कंगन ढूंढने में, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे रविश। इला प्लीज, ये प्लीज कुछ नहीं, मेरी कंगन ढूंढने में हेल्प कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक,
तुम्हें याद है तुमने कहाँ रखे थे वो? मैंने यहाँ ड्रॉर में रखे थे, यहाँ पे भी नहीं है। चलो ठीक है, दोनों मिलके ढूंढते हैं, तुम वहां देखो मैं यहाँ देखो। हाँ। क्या हुआ रविश, मिले कंगन? पता नहीं, देखो मुझे नहीं लगता कंगन इस कमरे में है, शायद वो अपने आप गायब हो गए। अपने आप गायब हो गए? हाँ। गायब हो गए का मतलब क्या है? नहीं रविश, 100% कंगन ना रूम से चोरी हो गए हैं। क्या चोरी? हाँ चोरी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पर्स कौन चोरी कर सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो बकुला बहू, चोरी और हमारे घर में? हाँ बापूजी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुमने पर्स कहाँ रखा था? वही जहाँ मैं हमेशा रखती हूँ, अपने ड्रॉअर में। पर बा, आज पर्स वहाँ पे नहीं है। मैंने सारा कमरा छान मारा। अच्छा, कितने पैसे थे उसमें? 50,000। हमारे घर में पैसों की चोरी कैसे हो सकती है? जैसे मेरे कंगन चोरी हो गए दादाजी। क्या? तुम्हारे कंगन भी चोरी हो गए? हाँ लाडू बाप, मैंने सब जगह ढूंढे, मिल ही नहीं रहे। लाडू बाप को याद है मेरी मम्मी ने 3.5 लाख के कंगन दिए। सीला बहू, तुमने कंगन गायब हो गए इतना कह दिया ना, काफी। लेकिन बापूजी, आज तक इस घर से एक छोटी चम्मच तक गायब नहीं हुई है, लेकिन आज मेरा पर्स, ईला बहू के कंगन, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे घर में चोरी हुई है। बकुला बहू तुम जरा धीरज रखो, और ईला बहू तुम अपने कमरे में जाके फिर से चेक करो। याद है इससे पहले भी तुमने घड़ी के लिए उन मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाया था, और उसके बाद वही घड़ी तुम्हारे कमरे में से मिली। नहीं दादाजी, इस बार ऐसा नहीं है। हम दोनों ने मिलके पूरा कमरा छान मारा, पर कंगन कहीं भी नहीं। तब तो फिर ये चोरी का मामला ही लग रहा है। दादाजी, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं रमेश, इतनी जल्दी नहीं। देखो बेटा, अगर पुलिस घर में आएगी तो सबसे पहले नौकरों पर शक करेगी, और मुझे अपने नौकरों पर पूरा विश्वास है। दादाजी, जिस तरह आपको आपके नौकरों पे विश्वास है, ठीक उसी तरह उस सुबह पे भी विश्वास होगा ना? हाँ, शत प्रतिशत। तो फिर वो सुबह से दिखाई क्यों नहीं थी? इलावा तुम कहना क्या चाहती हो? यही दादाजी, कि आपको भले ही शत प्रतिशत विश्वास हो, पर मुझे हमारे घर वालों के अलावा बाहर के किसी भी इंसान पर 1% भी विश्वास नहीं है। चलो मेरे साथ। सुबह सुबह देखा, आवाज भी नहीं दे रही है ना? अगर महारानी होगी तो आवाज देगी ना मम्मी जी। ये तो अपने रूम से ही गायब है। ये कपड़े क्यों बाहर निकाल के रखे? कहीं जाने की तैयारियां हो रही है? वो तो ऐसे ही सब ठीक करके रख रही थी। कबर्ड, उसके कपड़े भी नहीं है। उसके कपड़े भी नहीं है, और बैग भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर होगी तो दिखाई देगी ना मम्मी जी। आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, सुबह मेरे कंगन और आपका पर्स लेकर गायब हो गई है। हाँ, मैंने कल रात को उसके कपड़े पैक करते हुए उसे देखा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो अपने कपड़े समेट रही है। प्लानिंग मम्मी जी, प्लानिंग। बड़ी जादूगरनी बनी फिरती थी ना वो, देखा नहीं कैसे अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मेरा कंगन और आपका पर्स गायब कर दिया, और फिर से जादू की छड़ी घुमाई और खुद ही गायब हो गई। वो इस घर से गायब होने वाली है, उसका शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था, लेकिन वो इस घर से चोरी करके गायब हो जाएगी।
मैंने कभी नहीं सोचा था। अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या दादाजी इस बात को मानेंगे कि सुबह इस घर से चोरी करके फरार हो गई। So, did you all enjoy? Yes, sir. Thank you. Thank you. Hello, Mr. Jesse. आपने अपने लेक्चर से सबका दिल जीत लिया। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Excuse me. क्या बात है? Congratulations, Mr. Rishi Parik. Yes, I did it. I did it. मैंने सबको बहुत इंप्रेस कर लिया। ऐसा लेक्चर दिया कि हर बॉल पे सीधा सिक्सर। अब हम वापस क्रिकेट खेलेंगे और इस बार देखना ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ के तुझे हराऊंगा मैं। आई वुड लव टू डू इट ब्रदर, सीरियसली। तुझे ऐसे ऐसे खुश और कॉन्फिडेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा पहले वाला ऋषि वापस आ गया। हाँ, और उसकी वजह है वो। थैंक यू सो मच शलाका, आज तुम्हें फिर से पाकर है ना, मैंने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पा लिया। मैंने भी ऋषि, आज के बाद हम ऐसे ही एक रहेंगे और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। क्या तुम दोनों ये कहना चाहती हो कि सुबह इस घर से चोरी करके भाग गई? आप जरा शांत हो जाइए। पर इला बेटा, बकुला बहू, तुम दोनों जरा बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो। क्या सोचना चाहिए? इन दोनों को तो सिर्फ सुबह के खिलाफ बोलने के लिए चांस चाहिए, चांस। नहीं दादाजी, इस बार हम गलत नहीं है। पर आप ही बताइए, अगर सुबह के मन में चोर नहीं था तो फिर किसी को बिना बताए वो घर से क्यों चली गई? जब से वो घर से गई है हमारी चीजें भी गायब है। बस इला बहू, तुम्हारी इस बात का इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें यह फिक्र हो रही है कि सुबह अचानक के घर छोड़कर क्यों चली गई। क्यों चली गई वो? रविश बेटा, तू कांता बेन को फोन कर और पता कर, शायद सुबह माधवपुर ना गई हो। और हाँ बेटा, उन्हें इस बात का ये शक नहीं होना चाहिए कि सुबह ये घर छोड़कर चली गई। ठीक है, जा बेटा जा। देखा मम्मी, देखा ना आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दादाजी हम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। घर वालों से ज्यादा तो उन्हें उस सुबह पर विश्वास है। आप भूल जाइए कि हमारी कोई भी चीज चोरी हुई थी। अब चलिए मम्मी जी। रुको इला बेटा, ये क्या कर रही हो? बकुला बहू, तुम तो इसे समझाओ कि ऐसी परिस्थिति में धीरज से काम लेना चाहिए। ये चोरी का मामला है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और फिर सुबह तुम्हारे बापूजी ने उसे इस घर की बेटी माना है। बेटियां बाप के घर में डाका नहीं डालती लाडूबा। इला, तो क्यों अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो इन दोनों के पीछे? अरे अच्छे और बुरे की समझ नहीं है इन्हें। दादाजी, मैंने कांता मासी से बात की, सुबह माधवपुर भी नहीं गई है। माधवपुर में भी नहीं, कहाँ चली गई सुबह? कौन है? कौन है? कौन? कौन है? दरवाजा नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अनपहली कहानी प्यार की, अनपहली कहानी प्यार की।
ऋषि, तुम और राहुल अंदर पैकिंग कर रहे थे, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ सलाका, हमें भी जाना होगा। आज शाम की हमारी फ्लाइट है। और ये तुम्हारी फ्लाइट की टिकट है। मेरी टिकट? इसका मतलब तुम मुझे साथ लेकर चल रहे हो? नहीं सलाका, हम साथ में नहीं चल रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। सलाका, वादा करो कि आज के बाद तुम कभी ये नहीं कहोगी कि हमारी शादी हो गई है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से पटा था, अब फिर से ऐसा क्या हो गया? ऋषि, पर हमारी शादी तो हो गई है। नहीं हुई है शादी हमारी सलाका, हमारी शादी कभी नहीं हुई। इसका मतलब तुमने जो कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो, वो सब झूठ था? सच था, सच था, सच है। और एक और सच है कि हमारी शादी नहीं हुई। खबरदार, खबरदार, अगर एक भी आंसू निकला है तो चला का, मैं जो तुमसे कहने वाला हूं वो तुम्हें हिम्मत से सुनना होगा। सुनोगी ना? हाँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चला का, और आज के बाद ये ऋषि तुम्हारा ऋषि होगा। ऋषि? और ये शादी भी तुमसे ही करेगा। जब शादी हो जाएगी वो हकीकत होगी। हमारी शादी हो चुकी है, ये तुम्हारा भ्रम है, और सलाका तुम्हें तुम्हारे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हकीकत भ्रम से हमेशा बड़ी होती है। तुम्हें स्वीकारना होगा कि हमारी शादी नहीं हुई। बोलो, है मंजूर? तुम अगर शादी को हकीकत बना रहे हो तो मुझे भ्रम में जीने की क्या जरूरत? वो भ्रम तो मेरा हथियार था हकीकत बनाने के लिए। नहीं खाऊंगी ये खाना, नहीं खाऊंगी। सुना तुमने? मार जाऊंगी लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगी। हमारी शादी हुई है, होगी, होने वाली है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस यही इम्पोर्टेंट है, तुम मेरे साथ हो। अब ये चूड़ा और ये मंगलसूत्र निकाल दो। अगली बार जब मैं आऊंगा ना, तब बैंड बाजा भारत के साथ आऊंगा। हम एक नई शुरुआत करें। इस समाज को साक्षी रखकर मैं तुम्हारे साथ फेरे लूंगा। बोलो, बनानी है तुम्हें यह हकीकत? बार जो मंगलसूत्र आएगा वो मेरे घर से आएगा, मेरे नाम का होगा। और सलाका, इस सब के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा, क्या कि अब तक मैंने जो भी फैसले लिए वो मैंने खुद लिए, लेकिन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं दादाजी, लाडू बाबू, मॉम, डैड, मेरे पूरे परिवार से परमिशन लेकर करना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो फिर से फिसल रहा है। सलाका, समझने की कोशिश करो। तुम भी जानती हो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है,
मेरे परिवार के बीच। वो उस वक्त नहीं होना चाहिए था। आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, मुझे यह सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी। उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार स्थापित करना होगा। एक बार उन लोगों को तुम पर विश्वास आ जाए ना, तो उनकी परमिशन लेकर हम शादी कर लेंगे। दुखी ना इतना वक्त, इतना साथ। बस अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाता हूं। अगर हमें जिंदगी भर एक साथ रहना है तो कुछ देर के लिए हमें अभी दूर रहना पड़ेगा। बस इस बार ये दूरियां जल्दी खत्म हो जाए। नहीं खाऊंगी ये खाना, नहीं खाऊंगी। सुना तुमने, मर जाऊंगी लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। चाहे मुझे कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, नहीं खाऊंगी तुम्हारा खाना, नहीं खाऊंगी। वक्त गुस्सा करने का नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने का है। अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो जिंदा रहना होगा, और जिंदा रहने के लिए खाना खाना होगा। जूली खाना खाना होगा। काले काले बहू के कमरे से सामान का चोरी हो जाना, ठीक उसी रात सुबह का घर से चले जाना, ये सिर्फ संयोग की बात तो नहीं हो सकती ना? हाँ लाडू, ये किसी का जानबूझकर किया हुआ प्लान हो सकता है।